बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट एंड ब्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट एंड ब्लॉग्स साथ मैं हूं आपका दोस्त निशांत दी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी ब्लॉग हो वीजा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वापस टाइम बाई टाइम पहुँच सकें। आज के इस ब्लॉग में आपको बताएंगे जापान विजिट वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है, उसको एम्बेसी में एक्सेस किस तरह है, आप वॉक इन जाके सबमिट करवाते हैं कि कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि जापान आपका 3 साल के बाद विजिट वीजा के लिए ओपन हुआ है। पहले आपको एक ग्रुप की सूरत में अप्लाई करना पड़ता था, अभी ये कुछ दिन पहले आपका अप्लाई हुआ इंडिविजुअल वीजा भी आप इसमें अप्लाई कर सकते थे। लेकिन वो वीजा किस तरह अप्लाई किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो तो ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो इंटरव्यू होता है वो किस तरह, उसमें इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किए जाते हैं और आप एम्बेसी किस तरीके से जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। तो कोशिश कीजिए एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको इंटरव्यू से रेलेवेंट सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको इस वीडियो में मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जापान विजिट वीजा के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, कोई ड्रॉप बॉक्स है या आपको डायरेक्ट एम्बेसी एक्सेस होता है। जापान के लिए कोई भी ऑथराइज ड्रॉप बॉक्स नहीं है, आपको डायरेक्ट एम्बेसी में जाके पर्सनल अपीयरेंस पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। और जहां तक बात है इसके लिए अपॉइंटमेंट, इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, आपको वॉक इन जाके सबमिट करवाने पड़ते हैं। जहां पर बहुत सारी एम्बेसीज जो है फ्रांस, जर्मनी और जो एम्बेसीज आपकी शटल सर्विस के अंदर वाकया है, वहीं पर आपकी जापान एम्बेसी वाकया है, तो वहां पर आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं पर्सनल अपीयरेंस पर। इसका जो तरीकाकार है, इसका तरीका ये, आप अपनी फाइल साइज रेडी करते हैं, वीजा फॉर्म, टिकट, होटल, ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा रिक्वेस्ट लेटर और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उसमें रेडी करके लगाते हैं। फाइल रेडी करने के बाद आप शटल सर्विस जाते हैं, वहां पर आपके पास एक आईडी कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपी और अपने पासपोर्ट की एक एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे बाकी कंट्रीज की भी वहां से ट्रैवल होता है, बाकी कंट्रीज की सबमिशन के लिए लोग जाते हैं। लेकिन उसके लिए आप जब जापान के लिए जाते हैं, क्योंकि जापान की वॉक इन सबमिशन है, तो उसके लिए आपको एक साइड पर वेट करना पड़ता है। एक बस आती है जो जापान एम्बेसी के लिए, सिर्फ जापान एम्बेसी के लिए होती है, तो वहां पर आके आपको बुलाया जाता है कि जापान एम्बेसी में किन बंदों ने जाना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए। तो वहां पर उसकी जो फीस है आपको 1000 रुपया फीस देनी पड़ती है, तो आप वहां पर जापान एम्बेसी आपको बस लेकर जाती है। जापान एम्बेसी जब आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर आपको टोकन नहीं मिलता, जैसे कि आप अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज या किसी बाकी ऑथराइज ड्रॉप बॉक्स में जाते हैं या एम्बेसी में जाते हैं, वहां पर आपको एक टोकन दिया जाता है कि आपका ये नंबर है तो वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, जापान में जब आप जाते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट है, जो भी बंदा पहले जाएगा जो नंबर्स होते हैं उस हिसाब से आपको वहां पर बिठाया जाता है। तो जब आपका नंबर आता है वहां पर जो स्टाफ है वो पाकिस्तानी स्टाफ होता है, तो ये है कि जब वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां पर बुलाया जाता है काउंटर पे, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और दूसरे काउंटर पर आपको भेजा जाता है जहां पर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट से रिलेवेंट इंटरव्यू होता है। और जिसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप जापान क्यों जा रहे हैं, वहां पर अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो वो क्यों स्पॉन्सर आपको कर रहे हैं, रिलेशनशिप आपका क्या है, और इसे पूछा जाता है कि आपका होटल का नाम क्या है, होटल आपका इश्यूड है, नॉन इश्यूड है, रिजर्वेशन है या क्या है, और आपकी टिकट की डेट्स पूछी जाती हैं, और जो आपने सोर्स ऑफ इनकम लगाए होते हैं जिसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, FPR, NTN और बाकी सोर्सेज लगाते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपके सोर्सेज क्या है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उन सोर्सेज से रेलिवेंट क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग अपने सोर्सेज को वहां पर जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो वीजा तो लग जाता है लेकिन वीजा वहां पर आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करें अपने सोर्स ऑफ इनकम जो उनको आप जस्टिफाई वहां पर कर सकें। और इसके बाद बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो वहां पर किया जाता है एम्बेसी में, वो क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि जापान में आप कौन कौन सी जगह आप ट्रेवल करना चाहते हैं, जो आपने अपना वहां पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखा है, तो उसके लिए आपको ये होना चाहिए कि जापान में आप कहाँ कहाँ ट्रेवल करेंगे, 3 से 4 सिटीज का आपको नाम आना चाहिए जहां पर आपने ट्रेवल करना होता है। तो फिर वहां पर जब आपका इंटरव्यू हो जाता है वहां पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं और आपको एक स्लिप दी जाती है, पासपोर्ट सबमिशन की स्लिप उसको कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है आपका वहां पर, तो कोशिश किया करें कि वहां पर पजल ना हो, आपकी जो फाइल होती है उससे रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप अपनी फाइल को एक दफा रीड कर लिया करें ताकि आपको वहां पर इंटरव्यू में कोई इशू ना हो। ये एक छोटा सा इंटरव्यू आपका वहां पर एम्बेसी में होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन की स्लिप मिलती है। और जहां तक बात रही फीस, तो जापान का जो विजिट वीजा है उसकी फीस नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा है। इसमें जो आपके फाइल रेडी आपको ट्रेवल एजेंट करके देता है, तो उस ट्रेवल एजेंट की जो फीस होती है, बहुत सारे ट्रेवल एजेंट आपकी 50,000, 20,000,
25,000-30,000 तक भी चार्ज करते हैं। वो आपके चार्जेस होते हैं जो आपने ट्रैवल एजेंट को पे करने होते हैं। तो एम्बेसी की इसमें कोई फीस नहीं होती। आपको शटल सर्विस के थ्रू बस जाकर वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। शटल सर्विस के 1,000 चार्जेस हैं। तो जब आपके वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, उसके बाद आप जब एम्बेसी से बाहर आते हैं, तो उसी बस के थ्रू आप वापस अपने शटल सर्विस आके वहां पर आपका फोन होता है और वहां पर आपको अपना फोन मिल जाता है। तो जब आप शटल सर्विस अपने वापस आते हैं, तो वो अपना जो टोकन होता है, जो बस के लिए टोकन होता है, वो आपको वहां पर बस ड्राइवर को या बस कंडक्टर जो होता है उसको अपना टोकन दे देना पड़ता है। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो का आपको एम्बेसी किस तरह ले जाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट होते हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर दी है। और बहुत ही अहम बात जो मैं अपनी वीडियोस के दरमियान बताना भूल गया था कि इसका प्रोसेसिंग टाइम, इसका प्रोसेसिंग टाइम 2 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन यह है कि जापान बहुत टाइम के बाद, 3 साल के बाद जापान फाइनली ओपन हुआ था विजिट वीजा के लिए, इंडिविजुअल के लिए। तो अब वीजा रेशो भी अच्छी है, आपको जो पासपोर्ट है 5 से 6 दिन या 7 दिन में आपके पासपोर्ट वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी फाइल अच्छी होनी चाहिए, आपका इंटरव्यू वहां पर अच्छा हो, तो आपका वीजा 5 से 6 दिन या 7 दिन में मैक्सिमम वीजा आ जाता है। नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम 14 to 15 डेज इसका प्रोसेसिंग टाइम है। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है जो इंटरव्यू के लिए या वैसे जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपने क्लाइंट्स के साथ और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कॉल्स करते हैं कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही, तो हम उनके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपको किसी भी कंट्री के लिए इंटरव्यू कैसे किया जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, कमाल एक्सप्रेस एंड होलीडेज ट्रेवल लिमिटेड इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रेवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।